सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 8 सीरीज के बारे में, जो कि काफ़ी जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, और इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि यहाँ पे दो स्मार्टफोन आपको मिलेंगे, जिसमें Realme 8 होगा और इसका प्रो वेरियंट होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, जिसके लिए काफ़ी सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, और एक कमाल का स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ नया आपको Realme ऑफर करने वाला है। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर। जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, अगर आपको भी Realme 8 सीरीज का वेट है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जल्दी ही आपको ये मार्केट में देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं Realme 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करते हैं इसकी कैमरा के बारे में, तो ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार Realme ने अपनी 8 सीरीज के अंदर कैमरा के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, और अब इनको ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाना चाहते हैं मिड रेंज सेगमेंट में। तो यहाँ पे जो इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, उसमें सैमसंग आइसोसेल HM2 सेंसर का यूज होने वाला है, जो कि आप इस बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा सेंसर मान सकते हैं। इस बार इन्होंने काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी अपने कैमरा के अंदर यूज़ किए हैं। इसमें चाहे हम बात करें यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए बेटर ऑप्टिमाइजेशन की, स्टारी मोड की, पोर्ट्रेट इफेक्ट्स की, या फिर टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी की, तो कई सारे नए फीचर्स यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, और एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ और डिटेल्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो इस स्मार्टफोन में आपको एक AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। अगर साइज वाइज बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सेम 6.5 इंच के आसपास की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें उसी टाइप का डिज़ाइन रहेगा, यानी लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल का डिज़ाइन आपको इसमें दिया जाएगा। एक और जो बड़ा अपग्रेड होने वाला है Realme 8 सीरीज में, कि यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं, और ऐसे लीक्स हैं कि स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का ही कोई चिपसेट आपको इन स्मार्टफोन्स में मिलेगा। अगर बैटरी वाइज बात करते हैं तो 4500 mAh के आसपास की यहाँ पे बैटरी दी जाएगी, और इसके अलावा 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ में ये स्मार्टफोन आएगा। इसके अलावा इसका डिज़ाइन भी दोस्तों कंफर्म हो चुका है, हमने आपको पहले इसका रेंडर दिखा दिया था, हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जो Realme पे बनाई थी, तो सेम टाइप का ही डिज़ाइन यहाँ पे इस स्मार्टफोन का होने वाला है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दिखने में डेफिनेटली एक अच्छा और प्रीमियम स्मार्टफोन लग रहा है। इसके अलावा कैमरा के काफ़ी अच्छे फीचर्स आएंगे, एक अच्छी AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगी, और 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम कस्टमर्स को वेट था कि एक 5G प्रोसेसर मिले, वो भी Realme 8 सीरीज़ में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अभी तक Realme 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। अगर इसके प्राइस की हम बात करते हैं तो सेम ये 20 से लेकर 22,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। इसके अलावा Redmi Note 10 सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी 2 दिन के बाद, यानी कि इसी महीने आपको ये दो कमाल के स्मार्टफोन मिलेंगे, जिसमें Redmi Note 10 की टक्कर होगी Realme 8 सीरीज से। उसके बाद एक अच्छा स्मार्टफोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिड रेंज सेगमेंट में। आप में बताइए दोस्तों कि आप Realme और Redmi दोनों में से किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और कौन से स्मार्टफोन आपको ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।